सर्दियों का मौसम लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव लेकर आता है। सर्द हवाओं के इस मौसम में ठंडे पानी में हाथ डालना तक मुश्किल होता है। ऐसे में ठंडे पानी से नहाना किसी सजा से कम नहीं है। ठंड से बचने के लिए लोग अक्सर गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। इन दिनों ज़्यादातर लोग पानी गर्म करने के लिए गीज़र की मदद लेते हैं। ठंड आते ही अगर आप भी गीज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गीज़र के इस्तेमाल में थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सर्दियों में कैसे करें गीज़र का इस्तेमाल, गीज़र के इस्तेमाल में कैसी सावधानी रखने की ज़रूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रगति द्विवेदी। सबसे पहली बात कि सर्दियां आते ही सबसे पहले अपने गीज़र की सर्विसिंग करवा लें। बिना सर्विसिंग करवाए गीज़र का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा हर 6 महीने में इसकी सर्विसिंग कराते रहें। इससे गीज़र में किसी भी तरह की परेशानी का पहले ही पता चल सकेगा और आप किसी भी दुर्घटना से बच सकेंगे। इसके साथ ही घर में गीज़र हमेशा प्रोफेशनल से ही लगवाएं, क्योंकि इसे इंस्टॉल करने में हुई छोटी सी गलती भी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। गीज़र इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षा सावधानियां और रखरखाव बेहद ज़रूरी हैं। कई बार गीज़र के इस्तेमाल में हुई लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। गीज़र का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि ये ज़्यादा देर तक ऑन ना रहे, क्योंकि ज़्यादा देर तक इसका स्विच ऑन रहने से ये गर्म होकर फट भी सकता है। इतना ही नहीं, कई बार स्विच ऑन रहने की वजह से बॉयलर पर दबाव पड़ने से लीकेज भी हो सकती है, इससे करंट भी लग सकता है। इसलिए आप गीज़र से गर्म पानी निकालने के बाद उसका स्विच ऑफ करना ना भूलें। गीज़र का इस्तेमाल करते समय गीज़र के लिए एक सही टेम्परेचर सेट करना काफ़ी ज़रूरी है। ज़्यादा टेम्परेचर सेट होने की वजह से अक्सर पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाता है, इससे बिजली भी ज़्यादा बर्बाद होती है। ऐसे में ये ज़रूरी है कि आप समय समय पर अपने गीज़र का टेम्परेचर चेक करते रहें। सामान्य तौर पर गीज़र का तापमान 45 से 40 डिग्री के बीच रखना चाहिए। आप घर के जिस भी हिस्से में गीज़र लगवा रहे हैं, इसे लगवाते समय वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखें। कहीं भी गीज़र लगवाते समय वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था करें। दरअसल पानी गर्म करते समय कई गीज़र गैस रिलीज करते हैं, ऐसे में प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने पर ये किसी दुर्घटना की वजह बन सकती है। तो गीज़र के इस्तेमाल से पहले ऐसी सावधानी ज़रूर रखें और सर्दियों में गर्म पानी से नहाने का मज़ा लें। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह की ज़रूरी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।